स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। आपका ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगी जो कि कई सारे पर्पस में यूज होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से यूज किया जाता है मैं ये भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ये रहा हमारा हॉट एयर ओवन, और फिर हम इसको ये रेड वाला जो स्विच है इसको ऑन करेंगे। आप देख रहे हैं ये लाइट जल गई है और ये ओवन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमारे टाइम्स बताते हैं और ऊपर हमारा टेम्परेचर बताता है। अगर हमें इसे चेक करना होता है तो हम कुछ समय रुकते हैं, देखते हैं हमारा टेम्परेचर सेट हो रहा है या नहीं। और अगर हमें सेट भी करना है अपना टेम्परेचर, अगर हमने कोई पहले से सेट करके रखा है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से टाइम और टेम्परेचर को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये वापस से रीसेट कर सकते हैं जिस भी टेम्परेचर पे आप करना चाहें या पहले से आपने सेट कर रखा है। और ये हमारा स्टार्ट के लिए होता है कि अगर हमारा कोई भी टेम्परेचर सेट नहीं है और हमें स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा हॉट एयर ओवन है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, सपोज करिए हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट को हमें मेल्ट करना है, जैसे कि जस्ट लाइक हम किसी भी वैक्स को मेल्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखिए ओपन कर सकते हैं ये दरवाजा इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरे स्टैंड बने हुए हैं जहाँ पे हम किसी भी वैक्स को रखते हैं बीकर में और उनको सेट होने के लिए रखते हैं। तो और रख देंगे बस, सिंपली हम उसको देखिए बीकर में हमने करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से रख के हम दरवाजे को इस तरीके से बंद कर देंगे। तो आप देखें ऐसे मैंने बंद कर दिया। अब देखिए मैंने जो सेट किया है वो मैंने 60 डिग्री पे सेट किया है टेम्परेचर, और उसका टाइम जो है ये यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने सेट करके इसको रख दिया है। अब ये प्रॉपर अब इस वैक्स को मेल्ट होने में एटलीस्ट 8 to 9 hours लगेगा। अगर हम टाइम को बढ़ा देंगे तो वैक्स हमारा जल्दी भी मेल्ट हो सकता है। बट हर एक अगर हम कोई भी वर्क करना चाहते हैं और उस हिसाब से हमें वैक्स कितने टेम्परेचर पे हमें मेल्ट करना है, तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना हॉट एयर ओवन के बारे में और समझा कि हम किस तरीके से इसे रेगुलेट कर सकते हैं या कह सकते हैं प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर हम इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये हमने आज सीखा। ऐसे ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने के लिए ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच।